अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बच्चों के साथ घर में पेश आने वाले हादसात और इनके लिए आप क्या क्या फर्स्ट एड कर सकती हैं, फर्स्ट एड टिप्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चा जब चलना सीख जाते हैं तो इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो घर में हर जगह घुस जाते हैं और अक्सर उन्हें चोट भी लग जाती है। आपकी लाख कोशिश के बावजूद एक आध मरतबा तो इनको चोट लग ही जाती है। बच्चों की परवरिश दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। परवरिश के दौरान वालिदैन को छोटे छोटे मसाइल का सामना रहता है, मसलन कभी बच्चा स्विच बोर्ड से खेलते हुए करंट का शिकार हुआ तो कभी उंगलियां दरवाजे या दराज में आ गईं। लेकिन इन परेशानियों से बचाव में कोई मुश्किल काम नहीं अगर घर में बच्चे को कोई हादसा पेश आ जाए तो आप परेशान होने के बजाय फौरी तिबी इमदाद दें। इस तरह का इकदाम करके न सिर्फ बच्चे की तकलीफ को काफी हद तक कम किया जा सकता है बल्कि ज्यादा नुकसान से भी बचाया जा सकता है। पहले जमाने में जब खानदानी निजाम मौजूद था तो हर घर में तजुर्बाकार माएं, पुपियां या दादियां हुआ करती थी। आज अकेले रहने वाले नौजवान जोड़े बच्चों को संभालने में मुश्किलात से घिरे हुए नजर आते हैं। वालिदैन अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो इनके बच्चे बहुत हद तक महफूज रहते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जो अमूमन बच्चों को लगती रहती है, तो फौरी तौर पर सेफ्टी टिप्स के जरिए इसे तिबी इमदाद फराहम की जा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों के साथ कोई ऐसा मसला हो जाए या चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे को कट या रगड़ लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर चोट की वजह से खून निकल रहा है तो जख्म पर साफ कपड़ा रखकर चंद मिनट दबा कर रखें ताकि खून रुक जाए। नीम गर्म पानी से धोकर हल्का सा खुश कर लें। अगर रगड़ पर मिट्टी लगी हो या जानवर का पंजा मारने की वजह से चोट लगी हो तो इसे साबुन की झाग और पानी से धो लें। अगर जल फट गई है तो इस पर एंटीबायोटिक मरहम की मोटी तय लगाकर पट्टी बांध दें। छुरी या चाकू से हाथ कट जाए या कोई दवा ना हो तो फर्स्ट एड के तौर पर हल्दी लगाकर खूब कसकर पट्टी बांध लें। खून बंद हो जाए तो पट्टी खोल दें। अगर आपकी कोशिश के बावजूद खून बहना बंद ना हो तो बच्चे को इमरजेंसी में ले जाएं। अगर खाल का बड़ा टुकड़ा कट कर अलग हो गया है तो इसे गीले कपड़े में लपेट कर बर्फ पर रखें और अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि डॉक्टर इस खाल को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर सकता है। अगर जानवर के काटने की वजह से गहरा कट लगा है तो डॉक्टर को दिखाना नहायत जरूरी होगा ताकि इन्फेक्शन से बचने के लिए इंजेक्शन लग सके। बात की एहतियात, जख्म को रोजाना साफ करके मरहम लगाएं और पट्टी करें। अगर जख्म गहरा हो तो ये पकने का खतरा होता है, लिहाजा अगर जख्म में पस पड़ जाए, सूजन या सुर्खी आ जाए तो इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए डॉक्टर से राबता लाजमी करें। सेकंड वन इज, अगर आपका बच्चा कोई ऐसी चीज निगल ले तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चे को अपने गोद में उल्टा लेटाएं लेकिन ख्याल रहे कि इसके सर को आपके हाथ का सहारा मिल रहा हो। बच्चे की कमर पर 5 या 6 बार मुनासिब ताकत से थपकियां दें। अगर वो फिर भी इस चीज को ना उगले तो इसे सीधा लेटाकर सीने पर भी थपकियां दें यहाँ तक कि वो चीज बाहर आ जाए। अगर फिर भी कोई नतीजा ना निकले तो बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चा बेड से सर के बल गिर जाए तो क्या करना चाहिए। इस सूरत हाल में फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें चाहे आपका बच्चा नॉर्मल ही क्यों ना नजर आ रहा हो। अगर सर से खून बह रहा हो तो जख्म को सख्ती से दबाएं। इस तरह से दबाएं कि बच्चे को तकलीफ ना हो। खुदा ना खास्ता अगर आपको ये खतरा हो कि गर्दन में चोट लगी है तो फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर मायने के बाद भी 48 घंटे तक बच्चे को सोने और सांस लेने के अमल को चेक करते रहेंगे। अगर बच्चा सुस्त नजर आ रहा है, कैक करे या चलने में लंगड़ाहट महसूस हो तो फौरी तौर पर इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर जल जाए तो क्या करना चाहिए। अगर जल जाए तो जला हुआ हिस्सा फौरन पानी के नीचे रखें, गीला तौलिया रख दें ताकि दर्द कम हो जाए। छालों पर ढीली पट्टी बांध दें। अगर चेहरा, हाथ या जिस्म का कोई नाजुक हिस्सा जला है तो डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर जख्म गहरा हो तो जल्द सफेद, ब्राउन और खुश नजर आएगी। इसी सूरत में इमरजेंसी में ले जाएं। इस पर गीला ठंडा कपड़ा ना लगाएं और बच्चे को साफ चादर या कंबल से ढांप लें। बाद की एहतियात, छालों को फोड़ने की कोशिश ना करें। अगर जल्द फट जाए तो इस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर पट्टी करें। किसी किस्म की सुर्खी, सूजन और पस पड़ने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। नेक्स्ट पॉइंट इज, नाक से खून आना। नाक से खून आने की सूरत में बच्चे को सीधा बिठाएं और सर पीछे की तरफ ना झुकाने दें। गर्दन के गिर तंग कपड़ों को ढीला कर दें।
नाक को नथनों के पास से पकड़कर दबाएं। बच्चे को आगे झुकाकर नाक को 5 से 10 मिनट के लिए दबाकर रखें। नाक छोड़े बगैर चेक करें कि खून आना बंद हुआ है या नहीं। इसके अलावा आगे की तरफ झुकाकर सर पर ठंडा पानी डालें। बात की एहतियात, अगर खून चोट लगने की वजह से निकला था तो सूजन खत्म करने के लिए नाक की हड्डी पर बर्फ से सिकाई करें। अगर 10 मिनट बाद भी नाक से खून आना ना बंद हो या दोबारा आने लगे तो डॉक्टर से रुजू करें और इसको इमरजेंसी में ले जाएं। अगर गर्मी की वजह से निकला है यानी नकसीर फूटना है तो इसको भी अच्छी गजा का इस्तेमाल करवाएं। ठंडी चीजों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, अगर बांस से शीशा चुभ जाए मुतासरा जगह को साबुन या पानी से धोएं। ट्यूजर को अल्कोहल से साफ करके बांस को आराम से निकालें। अगर बांस निकालना मुश्किल हो तो एक दिन के लिए छोड़ दे, वह खुद ही बाहर आ जाएगी। अगर बच्चे के पैर में शीशा चुभ तो एक दिन के लिए छोड़ दे, वह खुद ही बाहर आ जाएगी। अगर बच्चे के पैर में शीशा चुभ गया है तो आप इसे पूरी तरह निकाल ना पाए तो पैर पर साफ कपड़ा लपेट कर बच्चे को इमरजेंसी में ले जाएं। अगर आपने शीशा निकाल भी लिया तो फिर भी एहतियात के तौर पर एक्सरे करवा लें ताकि पैर में मजीद शीशा होने की वजह से इन्फेक्शन ना हो। बात की एहतियात, अगर बांस कुछ दिनों में भी ना निकले और इसकी जगह सुर्खी या पस या दर्द हो तो डॉक्टर से फौरन रुजू करें। नेक्स्ट पॉइंट इज आंख में चोट लग जाना। अगर आंख में कुछ चुभ जाए या चोट लग जाए या बच्चे की आंख में शदीद तकलीफ हो, मुसलसल आंसू आ रहे हो, रोशनी कम हो या धुंधला नजर आए तो गीला ठंडा कपड़ा आंख पर रखकर इमरजेंसी में ले जाएं। हो सकता है कि इसकी आंख के अंदर चोट आई हो जिसके लिए मरहम या ड्रॉप्स की जरूरत होती है। ऐसे जख्म 24 घंटों में ठीक हो जाते हैं। अगर आंख में केमिकल चला गया है तो आंख को खोले रखें, इसमें नीम गर्म पानी डालें और इमरजेंसी में ले जाएं। बाद की एहतियात, आंख में कुछ चुभने की वजह से होने वाली तकलीफ और बिनाई पर नजर रखें। अगर ये तकलीफ कई हफ्तों तक रहे तो इसका मतलब है कि चोट से आंख मुतासिर हुई है और जख्म बहुत गहरा है। नेक्स्ट वन इज कीड़े का काटना या डंग मारना। अगर कीड़े का डंग जल्द में रह गया है तो जल्द को नाखून से खुरच कर डंग बाहर निकाल लें। ट्यूजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, डंग से ज्यादा जहर निकल सकता है। अगर बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो, खांसी हो जाए, जल्द पर दाने निकल आए या होंठ या जुबान सूज जाए तो इसे फौरी तौर पर इमरजेंसी में ले जाए। बाद की एहतियात, खारिश या जलन हो तो जल्द पर ठंडा गीला कपड़ा 1 मिनट तक रखें या इस पर कैलामाइन लोशन वगैरह लगाएं। इसके बाद मैं आप कहना चाहूंगी कि आप अपने घर को बेबी प्रूफ बनाकर रखें। बच्चे किस तरह घुटनों के बल बैठकर अपने घर की चीजों पर नजर डालें। अगर किसी अलमारी में ऐसी चीजें रखी हैं जो बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं तो इस खाने को खाली कर दें। शीशे की चीजें, बिजली का सामान, लोहे की आवाज, दवाइयाँ, केमिकल, स्विच बोर्ड वगैरह भी बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। आपके बच्चे और खुद आपके लिए बाइस इत्मीनान हो सकता है। एंड पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपने घर को बेबी प्रूफ बनाकर रखें। घर की किसी चीज को चेक किए बगैर ना छोड़ें, चाहे वो जगह आपके बच्चे की पहुंच से दूर ही क्यों ना हो। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी, खिड़कियों और दरवाजों का ख्याल रखें कि इस जगह से बच्चा बाहर ना निकल सके। घर में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रखें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपको मदद मिल सके। थर्मामीटर, शीरखवार के लिए दर्द दूर करने की दवा, बुखार कम करने के लिए बुखार उतारने वाली दवाएं, मुख्तलिफ साइज की बैंडेज, टेप वगैरह बहुत हद तक महफूज रख सकते हैं, इसलिए ये चीजें हमेशा सामने रखें। खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए जो अमूमन बच्चों को लगती रहती है तो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर के जरिए इससे शुरू में ही इमदाद मिल सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर खास्ता अगर किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए जो अमूमन बच्चों को लगती रहती है तो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर के जरिए इससे शुरू में ही इमदाद मिल सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।